नमस्कार दोस्तों, एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम कोले टेलीविजन। मेरा नाम मनोज कोले। टुडे मैं आपको दिखाऊंगा एक ओनिडा 32 इंच का एलईडी टीवी है। पहले इसको अच्छा से वॉच करिए, ये टीवी का प्रॉब्लम क्या है। आज का जो वीडियो है दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग, मोर देन मोर नॉलेज यू विल गिव। मैं पावर ऑन करता हूं, प्रॉब्लम देखिए, देखिए प्रॉब्लम देखिए। ओनिडा लोगो आ रहा है, यस एक बॉर्डर है ओरिएंटली, और भी चारों तरफ ब्लैक हो जाता है, यस एक बॉर्डर है। अब देखिए, ए मैं ए सेट 15 डेज I have been watching last for 15 days. Today, ready this job. Again, मैं power on off किया, again on करता हूँ, देखिए। English and Bengali mixed करके, sorry English and Hindi mixed करके मैं बताऊँगा, देखिए। दूसरा time on करेंगे तो ये लाइनिंग आ रहा है, देखिए। अब ध्यान से देखिए प्रॉब्लम को, ये सेट दूसरा टेक्नीशियन से के पास मेरे पास आया है। मैं इसको बहुत रिसर्च किया, स्टडी किया, लेकिन इसका पूरा आईसी जो है उसका डेटा शीट मेरे पास नहीं है। मैं बहुत स्टडी करने के बाद ये जॉब कंप्लीट किया। अब इधर आइए, मैं आपको दिखाऊंगा, सब ओपन करके रखा, देखिए। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम होगा, आप देखते रहिए। लेकिन ये वीडियो, ये जो प्रॉब्लम, ये मैं फाइंडिंग किया ऑसिलोस्कोप से, ये मीटर से नहीं होगा। देखिए पहले इसको डिटेल्स देख लीजिए, देखिए ये जो पीसीबी है, मेन पीसीबी है TPVST59TPB706, ठीक है, आप देखते रहिए। तो इसका जो त्रिकोण जो है वो ये मेन पीसीबी का साथ ही है। यहाँ पर जो प्रोसेसर है ये TSUMV59XUTZ1, ये प्रोसेसर का अंदर गेट सिग्नल भी है। ये जो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसका जो डिटेल्स है, ये जो केबल है ये LVDS केबल नहीं है, ये FPC है। यहाँ से LVDS सिग्नल नहीं जाता है, यहाँ से LVDS सिग्नल नहीं जाता आता है। यहाँ पर यहाँ से FPC है, यहाँ से RSDS डाटा आउटपुट होता है। यहाँ से जो सिग्नल आता है ये 60 पिन का है, यहाँ से AIC से TSUMV59XUTZ1, यहाँ से जो गेट सिग्नल है आपको, जो RSDS डाटा है, ये FPC से ये पैनल पे यहाँ पर आता है। यहाँ से VGH, VGL, ABDD सब कुछ वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर आता है। तो यहाँ से LVDS सिग्नल नहीं आता है, ये पहले सोचिए। तो स्केलर देखिए, इसका नंबर क्या है, मेरा पास कुछ नहीं था, इसका इस IC का डाटा शीट नहीं मिलता है। और इधर देखिए, इसको नंबर देखाइए एक बार, ठीक है, इसको नंबर देखाइए, कैमरा थोड़ा सा दूर ले जाइए। HV3320WH N81, कैमरा दूर करो, हाँ देखिए इधर आइए, इसका नंबर है HV3320WHB ऑफ
डैश एन 81 इसका, लेकिन एक काम करने के लिए एक एडवांटेज मेरा पास है, वो क्या है, इस पैनल का डेटा शीट मेरा पास है, पैनल का डेटा शीट से ही वो मैं निकला कहाँ से प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं इसको दोबारा पावर ऑन करूँगा, देखिए मैं स्विच ऑन करता हूँ, देखिए वो सेम कंडीशन में आएंगे। वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग टाइम रन करेगा, लेकिन आप देखते रहिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेंगे इस वीडियो में। देखिए वो सेम कंडीशन में है, देखिए सेम कंडीशन में है। ठीक है, तो ये मैं कैसे रिपेयर किया, 15 डे मैं इसको रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद इस दिस टाइप सेट मेरा पास आया था, उसको भी मैं स्टडी किया, ये दोनों कंपेयर करके तब भी मैं फॉल्ट फाइंडिंग किया, लेकिन इसका आईसी का डेटा सीट मेरे पास नहीं है, कहाँ से क्या निकलता है, क्या इनपुट होता है, वो डिटेल्स नहीं है। इसलिए पहले देखिए एक ट्रिक्स मैं आपको दिखाऊंगा, आप मीटर पे याद रखिए, अभी तो बैकलाइट ऑन है, देखिए इसका यहाँ पर देखिए ये जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट सप्लाई है, ये जो छोटा वाला स्मॉल आईसी जो है इसका जो 6732A ए डीसी टू डीसी आईसी है, ये छोटा वाला यहाँ पर छोटा, ठीक है स्मॉल आईसी, देखिए होल है यहाँ पर, ये एबीडीडी डायोड है, देखिए यहाँ पर सप्लाई है 5 वोल्ट, अब देखिए मीटर को दिखाइए, दोनों को एक साथ दिखाइए, 5 वोल्ट सप्लाई है और डायोड का आगे देखिए 16 वोल्ट है, देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट है, डायोड का आगे देखिए 16 वोल्ट है, एआईसी काम कर रहा है। देखिए और क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए वीजीएल जो वोल्टेज है ये सही है, -8.1 को इस डेटा सेट में मैं मिल गया। देखिए और क्या है, देखिए वीजीएच जो वोल्टेज है 31 वो भी परफेक्ट है, सोचिए 5 वोल्ट से वीजीएच वोल्टेज जनरेट किया 31 वोल्ट, ये एक स्मॉल आईसी कितना फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो ठीक है, यहाँ से एक छोटा वाला एबीडीडी जो है, देखिए यहाँ पर पहले एबीडीडी आता है, एबीडीडी से ए डिवाइड करके एच एबीडीडी जनरेट किया यहाँ पर, ठीक है देखते रहिए। तो हुआ है क्या, अब देखिए इसका जो डेटा सीट है ए 60 पिन का है, यहाँ से आरएसडीएस डाटा है, वीजीएल है, वीजीएच है, ये जो 3.3 वोल्ट रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर कहाँ पर यूज़ किया है, ये पैनल का 3.3 वोल्ट है, इस आईसी में ये नहीं है, इस 3.3 वोल्ट रेगुलेटर पैनल में सप्लाई डाइव देता है। ठीक है, यहाँ पर मैं सब कुछ देखा, देखिए यहाँ पर वोल्टेज है, डीवीडी वोल्टेज है, देखिए ये सब कुछ वोल्टेज है, यहाँ पर मैं देखा, पूरा डिटेल्स देखाने जाऊंगा तो लॉन्ग टाइम, बहुत लॉन्ग टाइम रन हो जाएगा, इसलिए मैं जो पिन पॉइंट है वही मैं आपको दिखाऊंगा। इस पैनल का अंदर साइट कॉप भी है, वो भी मैं चेक किया है डेटा शीट बाहर निकल के, वो सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअल इसका प्रॉब्लम क्या है मैं आपको दिखाऊंगा और करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये फ्लेक्स, ये जो फ्लेक्स है ये मैं क्लीन करके चेंज करके देखा, पूरा क्लीन किया, चेंज किया सब कुछ, लेकिन फॉल्ट मैं फाइंडिंग किया ऑसिलोस्कोप से, लेकिन सारी फ्रेंड का पास ऑसिलोस्कोप नहीं है, इसलिए मैं ऑसिलोस्कोप का इमेज मैं नहीं देखना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए। आप मीटर से देख लीजिए, आपका पास ऐसा वाला कोई प्रॉब्लम आएंगे तो आप ये मेथड अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलिए मैं इसको पावर ऑफ करता हूँ। देखिए एक्चुअल इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं तो सब कुछ बोल दिया और जो फॉल्ट है उसका बारे में बताता हूँ। देखिए
ये जो यहाँ पर देखिए सोर्स कॉप है, दोनों सोर्स कॉप है, यहाँ पर है यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक इस आईसी से एक सिग्नल यहाँ पर आएंगे ये फ्लेक्स से, लेकिन फ्लेक्स ठीक है, फ्लेक्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं चेंज करके देखा, क्लीन करके देखा, फ्लेक्स अच्छा है। और दूसरा कोई फ्लेक्स लगा के देखा, कोई भी रिजल्ट नहीं हुआ, सेम रिजल्ट होता है। तो मैं लास्ट क्या किया, इसका जो डेटा शीट मेरा पास है उसी हिसाब से मैं ऑसिलोस्कोप से पूरा सब चेक किया, कहाँ पर क्या गेट सिग्नल आता है, कहाँ पर क्या वोल्टेज जाता है, लेकिन एक सिग्नल उसी से मिसिंग था। एक मिनट, इसको कराइए, एक मिनट रुकिए, आप रखिए, वॉच करने का जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, मैं इसको देखा देखने के लिए करता हूँ। मैं इसको आपको मोबाइल से ही मैं देखाऊंगा, देखिए मोबाइल से ही मैं देखाऊंगा, देखिए सॉरी क्या है, देखिए देखिए इसी हिसाब से ये जो डेटा शीट मेरा पास है, देखिए जो डेटा शीट मेरा पास है 60 नंबर पिन का, आप देख सकता है, आपका रिक्वायरमेंट है तो आपको मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं है। देखिए ये जो डेटा शीट है इसी हिसाब से ये जो पिन नंबर 3 जो एसटीबी सिग्नल है ये मिस हो गया, इसीलिए ये प्रॉब्लम होता है। ये मैं बहुत इजी से आपको मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये ढूंढने का मेरा 15 डेज ओवर हो गया। ये 3 नंबर पिन जो एसटीबी है ये एसटीबी मिसिंग था, एसटीबी कहाँ से निकलता है, ये डेटा शीट था, इसलिए मैं ये फॉल्ट सॉल्व किया, लेकिन ये मेरे पास नहीं होगा तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये पिन एसटीबी कहाँ से आता है, कहाँ से इनपुट होता है, मैं कैसे पता लगाऊंगा, बोलिए, इसका मेरा पास था इसलिए मैं ये रेडी किया। देखिए मैं कहाँ से कहाँ एक वायर कनेक्ट करूँगा, सेट रेडी होगा। देखिए मैं डिटेल सबको तो देखा दिया, और यहाँ पर मैं भी दिखाऊँगा, देखिए देखिए इधर इधर देखिए इधर देखिए इसको, ये जो देखिए इधर पर मेरा मीटर पॉप, लुक एट द मीटर पॉइंट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है एस टी भी का पॉइंट है, ये जो एक छोटा रजिस्टर है आप देखिए देख सकता है, छोटा रजिस्टर है यहाँ से, या ये जो रजिस्टर है ये एस टी भी का पॉइंट है, ये मैं चेक किया ठीक है। और देखिए इधर क्या है, इधर मैं कनेक्ट करता हूँ, एक वायर कनेक्ट करता हूँ, अब देखिए एक मिनट रुकिए, मैं आपको डिटेल्स दिखाऊंगा, दिखाऊंगा कनेक्ट करके दिखाऊंगा। एक को ही ब्रेक हो गया उसी, देखिए यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, एक मिनट मैं अच्छे से देख लिया, देखाइए इसको देखाइए, इधर 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 देखाइए, इधर देखिए इधर जो पिन है आप यहाँ पर देख देखिए यहाँ पर अच्छे से देखाइए, देखा ये जो पिन नंबर है, इधर से 5 नंबर पिन होगा, इधर से काउंट करेंगे तो 5 नंबर पिन होगा, देखिए 1 2 3 4 5,
लेकिन इसका 5 नंबर पिन नहीं है, ये मत सोचिए। यहाँ से अभी इस साइड से कनेक्ट करेगा तो ये 5 नंबर पिन से आपको इसी हिसाब से इसका ये 5 नंबर पिन नहीं है, इसी हिसाब से ये कनेक्ट करेंगे तो होगा। ठीक है, मैं ये पूरा देखा। चलिए इधर लेके आइए, मैं यहाँ से कहाँ पर कनेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ से मैं देखिए आपको मैं पूरा डिटेल्स दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा तक देखते रहिए, आपको लास्ट में मैं एक बात बताऊंगा, इंटरेस्टिंग बात मैं बताऊंगा। आप देखते रहिए, मैं कनेक्ट किया फिर मैं सेट को ऑन करूंगा। एक मिनट, सब तार इधर है, उधर हो गया। इसमें मैं बहुत मेहनत किया तब भी ये सेट रेडी हुआ। आप सोचिए 15 डेज मैं इसको वॉचिंग किया, 2-3 घंटा। देखिए मैं इसको पावर दिया, देखिए इधर आ गया, देखिए सेट ऑन होगा। देखिए आपको सेट, देखिए ये भी डिस्प्ले भी आ गया, देखिए नो सिग्नल भी आ गया। अब देखिए लोगो भी आ गया, देखिए सेट चल रहा है। चलिए देखिए डिस्प्ले आ गया। इसका रिमोट अभी तक मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ। पिक्चर आ जाएगा, कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपका पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा तरह वीडियो मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। और जो मैं बात आपको बताऊंगा बोला था, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा VGH, VGHP, VGHM, VGHC, VFLK, GVOFF, ऐसा जो मार्किंग कोड है। मैं रिपीट करता हूँ, VGH, VGHM, VGHP, VGHC, VFLK, GVOFF, ऐसा जो मार्किंग कोड है, इस मार्किंग कोड का क्या फंक्शन है, पूरा डिटेल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आप देखते रहिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक मैं समाप्त करता हूँ मेरा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एवरीबॉडी।